आपने यह तथ्य तो सुना ही होगा कि सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, ना कि उसका अमृत। पर आज मैं एक ऐसे सांप जैसे दिखने वाले सब्जी या फल, आप कह लें उसके उसके बारे में बात करूंगा, जो कि हमारे किसान भाइयों को अमृत स्वरूप मान होगा। तो इसी के साथ मैं शिवम, कृषि विशेषज्ञ फसल सलाह, आप सभी का फसल सलाह में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को ककड़ी के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जिससे कि आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सलाह के राह की ओर। तो ककड़ी शब्द संस्कृत भाषा करकटी से बनी है। ऐसा माना जाता है कि करकटी की उत्पत्ति भारत देश से ही हुई है। करकटी एक कुकुरपदेशी कुल का पौधा है और इसे हल्का गर्म मौसम ही अच्छा माना जाता है इसके लिए। तो अगर हम बात करें ककड़ी के बीज के बारे में, तो बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे निर्मल हो गई, चंद्रा हो गई, सब थोड़ी लेट वैरायटीज़ हैं। और 708 एक ऐसी वैरायटी है जो कि हम आमतौर पर ठंड में बोते हैं। इससे क्या होता है कि हमें गर्म के मौसम के पहले ही हमें इसकी कटाई मिल जाती है और हमारे मार्केट में पहले ही उत्पन्न हो जाता है और हमारे किसान भाई को मुनाफा अच्छा देता है। तो अगर हम आगे बढ़ें, अगर NPK की बात करें तो इसमें NPK डालें, गाय का जो गोबर है, नीम की खाद है, ये सब इसमें अच्छे से डालें बुवाई से पहले। और ये करने के बाद आपको स्प्रे में क्या क्या करना है, जब आपका पौधा एक 15 से 20 दिन तक का हो जाए, तो इसमें आप जिंक, बोरॉन, मैंगनीज 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इनका एक पाउडर का मिश्रण बनाएं और अपने ककड़ी के खेत में स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि आपका पौधा हरा भरा रहेगा। ककड़ी का आमतौर पर जितनी भी इसकी खेती है, वो सारे हमारे जो खीरा होता है, खीरे का पौधा होता है, उसी प्रकार की ककड़ी की भी खेती होती है। तो अगर आपने हमारा खीरे का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको एक टोंगल आ जाएगा, उसको प्रेस करके आप हमारे खीरे वाले वीडियो देखें। तो ककड़ी के पौधे में मधुमक्खियों का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ककड़ी के पौधे में नर और मादा दोनों प्रकार के फूल होते हैं। अगर कोई प्राकृतिक क्रिया इस फूल में ना हो तो ककड़ी का फल ज़्यादा लाभदायक और अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपने हमारा मधुमक्खी वाला वीडियो नहीं दिया है, जो कि हमारी कृषि विशेषज्ञ गेशु ने रिकॉर्ड किया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ककड़ी के जो खेत है उसके अगल बगल आप बॉक्सेस रखें मधुमक्खियों के, इससे आपको एक तीर से दो निशाने होंगे, आपको मध का मध भी मिल जाएगा और आपकी प्राकृतिक क्रिया की वजह से आपकी ककड़ी बहुत ही अच्छी होगी। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें आमतौर पर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ता है। फॉस्फोरस ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 20 किलोग्राम ही डालें, और पोटेशियम अपना 60 किलोग्राम की दर से ही डालें। अब मैं बात करूँगा हमारे फसल टिप्स के बारे में। हमारे आज के फसल टिप्स में 2-3-4 बातें बताऊँगा जिसका आप अच्छे से सुने, जिसको आप अच्छे से ध्यान दें। पहला, ककड़ी के पौधे में एक लाल बीटल जो कि भृंग कहते हैं उसे, वो आमतौर पर लगते हैं। इसके लिए आप क्या करें, अगर वो उनकी संख्या बहुत कम है तो आप सिर्फ राख डाल के अपने खेत में छोड़ दें। आप अगले दिन देखेंगे कि भृंग की संख्या काफ़ी कम हो गई है। अगर देखें कि उनकी संख्या बहुत सी ज़्यादा बढ़ गई है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप 7 नाम की एक दवाई आती है, उसका आप छिड़काव करें। अगर हम बात करें ककड़ी में पानी, हाँ, अपने ककड़ी को पानी अच्छे से दें। 2-3 दिन पर अगर आप पानी दे रहे हैं तो ठीक है, कम कम पानी 2-3 दिन पर दें, क्योंकि खीरे के समान ककड़ी भी पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो हर 7 दिन पर पानी तो अवश्य दें। 40-45 दिन पे इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, पहली तुड़ाई होनी शुरू हो जाती है। हाँ, तुड़ाई से मेरे को एक चीज़ याद आया कि तुड़ाई से आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप उस लालच में ना पड़े कि आपकी ककड़ी बहुत लंबी हो रही है तो बहुत ही लाभदायक होगी। नहीं, ककड़ी का एक आमतौर पर 20-25 सेंटीमीटर की जो ककड़ी हो जाती है उसको मंडी में अच्छी रेट मिलती है, उसका मार्केट में डिमांड अच्छा होता है। ज़्यादा ककड़ी जब लंबा हो जाए या फिर बहुत मोटा हो तो लोग उसे पसंद नहीं करते खाना। हल्की मीडियम साइज, ज़्यादा छोटी भी ना हो, ज़्यादा इमेच्योर भी ना हो, ज़्यादा मच्योर भी ना हो, बीच बीच की हो, 20-25-30 सेंटीमीटर तक की ककड़ी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वो मुलायम भी होती है, खाने में अच्छी लगती है। ककड़ी को पानी अच्छे से दें, जैसा कि मैंने बताया। पानी अगर आप ककड़ी को कम देंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी ककड़ी कड़वी पैदा होगी। और हाँ, अपने ककड़ी जैसे कि खीरा होता है, बहुत मुलायम पौधा है, बहुत ही मुलायम फसल है, ककड़ी भी बहुत मुलायम फसल है। इसमें ज़्यादा कीटनाशक, हैवी कीटनाशक का प्रयोग ना करें, मेरी आपकी यही सलाह है, कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग ना करें। अगर आपको करना है, अगर ऐसी सोच रहे हैं, तो हमारी कृषि विशेषज्ञ फसल सलाह की उनकी सलाह ज़रूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। डाउनलोड करें हमारा फसल सलाह ऐप, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ धन्यवाद।